दोस्तों, आज जिस फोन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है लावा युवा 3। ये 2 फरवरी को लॉन्च हुआ था। हाँ, आपको बताने में थोड़ा लेट हो चुका हूं, लेकिन ये फोन इतना खास नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो कि एक 6-7 हज़ार रुपए के अंदर फोन देख रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि 6-7 हज़ार रुपए के अंदर एक सेकेंड हैंड फोन खरीद लेते हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक बेस्ट चॉइस है जो कि नया फोन चाहते हैं तो 6-7 हज़ार में आपको मिल जाएगा। 4GB 64GB आपको मिल जाएगा 6,700 रुपए में, और एक 128GB वाला भी वेरिएंट है जो कि 7,000 से थोड़ा ऊपर आता है। तो 7,000 वाला जो वेरिएंट है एक बार आप उसे अवॉइड कीजिए, वो जो 6,700 रुपए वाला वेरिएंट है आप उस पर थोड़ा नजर रखिए। अगर आप बाजार में जाकर दुकानदार से थोड़ा सा मोल भाव करेंगे तो आपको आराम से 6,500 रुपए के अंदर ये फोन मिल सकता है। तो उन लोगों के लिए ये एक बेस्ट चॉइस है जो कि 6,500 में एक नया फोन खरीद रहे हैं। अब फीचर्स 6,500 रुपए के हिसाब से इस फोन के अंदर बुरे नहीं हैं। जैसे डिस्प्ले के बारे में ही बात करते हैं, 6.56 इंच की एक HD प्लस वाली, हाँ 6,500 में सिर्फ HD प्लस वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी, फुल HD प्लस वाली नहीं मिलेगी, जो कि 720p रेजोल्यूशन को आराम से सपोर्ट करती है। 1080p की वीडियो भी आप चला सकते हैं, लेकिन वो स्मूथली नहीं चलेंगी थोड़ी, तो 720p तक आराम से आप मजे ले सकते हैं। तो ये एक IPS LCD डिस्प्ले है, और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अक्सर 6,500 में 60Hz का ही रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन इसके अंदर 90Hz का है, तो एक बात तो ये अच्छी हो जाती है डिस्प्ले के अंदर। दूसरी अच्छी बात डिस्प्ले के अंदर ये हो जाती है कि आपको पंच होल वाली डिस्प्ले मिलती है, जो यू शेप में ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले है वो नहीं मिलती है, क्योंकि वो फोन के लुक को थोड़ा सा बेकार कर देती है, लेकिन यहाँ पर पंच होल वाली डिस्प्ले है तो ये फोन के लुक को थोड़ा अच्छा बना देती है। तो डिस्प्ले के मामले में 6,500 रुपए के हिसाब से मैं यहाँ पर शिकायत नहीं करूंगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यूनिसोक T606 का एक 4G प्रोसेसर मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर काम करता है। अंतुतु स्कोर कंपनी का कहना है कि लगभग 2 लाख के आसपास आता है। ये प्रोसेसर इतना कैपेबल तो है कि हाँ आप PUBG खेल सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी वाली अगर आप गेमिंग चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ PUBG के खेलने के शौकीन हैं तो वो आराम से आप खेल पाएंगे। तो इतना पावरफुल ये प्रोसेसर तो है। साथ ही eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप और UFS 2.2 मिल जाता है, तो रीड और राइट की स्पीड भी अच्छी खासी है। तो और इसी के साथ साथ आपको क्लीन एंड्रॉइड मिलता है, वो भी एंड्रॉइड 13 के साथ में। कंपनी का कहना है कि एंड्रॉइड 14 का भी अपडेट मिल जाएगा, वो साथ ही साथ 2 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट भी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। तो प्रोसेसर भी 6,500 रुपए के हिसाब से फोन के अंदर बुरा नहीं है। हाँ, वो कैमरा के बारे में बात करें तो 6,500 रुपए के हिसाब से वही कैमरा मिलेगा जो अक्सर मिलता है, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा, और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप 1080p तक कर सकते हैं। तो 6,500 रुपए के हिसाब से कैमरा क्वालिटी भी आपको 6,500 रुपए के हिसाब से ही मिलेगी, आप ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज की उम्मीद मत रखना, और मैं इसीलिए 6,500 रुपए के हिसाब से यहाँ पर शिकायत भी नहीं करूंगा। 5,000 mAh की आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, और अच्छी बात यह है कि 18W की चार्जिंग मिलती है। अक्सर 6,500 में सिर्फ 10W का ही चार्जर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 18W का चार्जर दिया गया है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि 6,500 रुपए के हिसाब से मैं कहूँगा बुरे नहीं हैं। और अदर फीचर्स जैसे कि 3.5mm का हेडफोन जैक वो मिल जाता है, यानी कि वायर वाली अगर आप ईयरफोन यूज करना चाहते हैं तो बेशक यूज कर सकते हैं। एक ही स्पीकर आपको मिलेगा, 2 स्पीकर नहीं मिलेंगे। कोई भी IP रेटिंग आपको नहीं मिलती है, यानी कि अगर पानी वानी के अंदर धूल मिट्टी अगर चली जाती है तो उससे आपके फोन को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसका आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब एक सवाल आता है कि मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में क्या है। तो मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में पूरा पॉजिटिव है। अगर 6,500 में आप कोई सेकंड हैंड फोन देख रहे हैं तो उससे अच्छा है आप 6,500 में इस फोन को खरीद सकते हैं। 6,500 में आपको अच्छा बिल्कुल नया फोन भी मिल जाएगा, जिसकी आपको क्वालिटी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, बजाय इसके कि सेकंड हैंड फोन आप खरीदें, क्योंकि सेकंड हैंड फोन खरीदेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई तो कमी आपको उसके अंदर मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपको उसका थोड़ा सा लुक और डिजाइन थोड़ा सा खराब मिल जाएगा, फोन थोड़ा घिसा मिल जाएगा। लेकिन 6,500 में अगर आप ये नया फोन लेंगे तो आपको बिल्कुल नया चमचमाता फोन मिलेगा, जो कि 6,500 में एक बुरी डील नहीं है। तो 6,500 में ये फोन आपको रिकमेंड किया जा सकता है, अगर आपको 4G 5G से कोई दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि 6,500 में आपको 4G फोन ही मिलेगा, 5G फिलहाल 2024 में तो आने से रहा। तो हाँ, आपके लिए ये फोन रिकमेंडेबल है, आप 6,500 में अगर आप फोन खरीदना चाहते हैं तो इस फोन को खरीद सकते हैं।